और अभी आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आगे बढ़ना चाहते हैं मगर आप खुद जम्हूरियत को डीरेल कर रहे हैं। हमारा कोई भी कदम रियासत आवाम और जम्हूरियत के खिलाफ नहीं होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी पीजीआई ने कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान में मौशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। में पार्लिमानी सियासत ही होती है और पार्लिमानी सियासत में गवर्नमेंट और अपोजिशन अपना अपना रोल प्ले करती है। वहाँ जहाँ ज़रूरत हुई कोऑपरेशन की कोऑपरेट करेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए अपने इकदाम करेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी भी सूरत पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टेट, पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान तरीके साहब चाहती है कि मुल्क इस हालात से निकले, इकानमी बढ़े, डेमोक्रेसी चले, ये डिरेल ना हो और रूल ऑफ लॉ हो। जहाँ तक पीटीआई इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर, और एक इस्तेकाम पैदा करने के लिए माशी इस्तेकाम, वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाजा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।